हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट ट्रफल केक की रेसिपी, जिसे हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होती है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसके ऊपर हम रख देंगे छन्नी, और जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर हम छान लेंगे। तो ये मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 3/4 कप यानी कि 1/4 कप हम लेंगे पाउडर शुगर, मैंने यहाँ पे घर की पीसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट। इसे हम छान लेंगे, छानना बहुत ही ज़रूरी है, इससे केक अच्छे से फूलता है, तो ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इसे हम हल्के हाथों से मिला लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल, 1 कप दूध। तो पहले हम आधा दूध ही डालेंगे और उसके बाद बाकी बचा हुआ दूध भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और 1 टीस्पून विनेगर, और इसे इस तरह से कट फोल्ड मेथड में इसे मिला लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बैटर बिल्कुल रेडी है। और अब हम एक केक टिन लेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे, और इसके अंदर हम रख देंगे एक बटर पेपर और उसे भी ऑयल से ग्रीस कर देंगे। और उसके बाद जो हमने बैटर रेडी किया है वो इसके अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। इसे हम 1-2 बार टैप करेंगे और अब हम गैस की ओर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दी एक कढ़ाई और उसके अंदर मैंने रखा हुआ एक स्टैंड, और जो हमने केक का टिन रेडी किया है वो इसके अंदर हम रख देंगे और इसे ढक कर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। 35 मिनट हो चुके हैं और अब हम केक को चेक कर लेंगे। तो केक को चेक करने के लिए हम किसी नाइफ़ या टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले ली है एक टूथपिक और इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकली है, यानी कि केक बिल्कुल रेडी है। इसे हम निकाल लेंगे और इसे ढक कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम चॉकलेट गनाश रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक हैवी बॉटम पैन लेंगे और उसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 कप क्रीम, और इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए स्लो फ्लेम पर गरम करेंगे। और इसे हमें ज़्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ हल्का सा धुआं आए बस उतना ही हमें इसे गरम करना है, और इसे कंटिन्यूस चलाते रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये क्रीम जलने लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किनारों से हल्का धुआं छोड़ने लगा है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चॉकलेट कंपाउंड, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और ये मैंने लिए है 2 कप चॉकलेट कंपाउंड। इसे हम डाल देंगे और हल्का सा जैसे इसके अंदर क्रीम के साथ मिला लेंगे और इसे ढक कर 10 मिनट तक छोड़ देंगे। दस मिनट के बाद हम चॉकलेट और क्रीम को मिला लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि चॉकलेट आसानी से क्रीम में मिक्स हो रही है, यानी कि चॉकलेट अच्छे से पिघल गई है। एक भी लम्स रहना नहीं चाहिए, उसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि चॉकलेट गनाश हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। 1/2 घंटे के बाद हम क्रीम को चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि चॉकलेट गनाज बिल्कुल क्रीमी बनकर रेडी है और हम इसे आसानी से केक पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। केक ठंडा हो चुका है और अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो पहले हम नाइफ से इसे किनारों से अलग करेंगे और हल्का सा टैप करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। और ये जो हमने बटर पेपर लगाया था उसे भी हम निकाल लेंगे और केक को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप चाहे तो 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे इसे डिवाइड करने के लिए थ्रेड का यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो नाइफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थ्रेड से इसे डिवाइड करते हैं तो ये इवनली कट होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, और फिर से हम इसे काट लेंगे और इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो
तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही इवनली ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो चुका है और केक का बेस हमारा बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनकर रेडी हुआ है। अब हम केक को गार्निश करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है टर्न टेबल और जो हमने चॉकलेट गनाश रेडी किया था वो उसके ऊपर हल्का सा अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर रख देंगे हम केक बेस और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे शुगर सिरप। ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप पानी और 1/2 कप शुगर। पानी को हल्का सा गर्म करेंगे और शुगर को इसमें मेल्ट कर लेंगे और ठंडा होने के बाद हम केक पर इसे अप्लाई करेंगे। तो इसे काफ़ी मात्रा में हम यूज़ करेंगे और उसके बाद जो हमने चॉकलेट गनाश रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से अप्लाई हो रहा है। और अब हम दूसरा पार्ट रखेंगे और इसे भी हम हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे और शुगर सिरप इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम डाल देंगे चॉकलेट गनाश और उसे भी हम फैला लेंगे। अब केक का तीसरा पार्ट भी इसके ऊपर रख देंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैंने जो केक का बॉटम पार्ट होता है उसको मैंने सबसे ऊपर रखा है क्योंकि जो नीचे का पार्ट होता है वो इवन होता है और इसे हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो क्रीम है वो आसानी से हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और केक बनाने के लिए जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। केक को मैंने सभी ओर से कवर कर लिया है और अब हम इसे इवन और शाइनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक ग्लास में ले लिया है वार्म वाटर और पैलेट नाइफ को इसके अंदर हम वार्म करेंगे और इस तरह से हम इसे अप्लाई करेंगे। पैलेट नाइफ को हम बार बार क्लीन करते जाएंगे और वार्म करते हुए हम केक पर अप्लाई करते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही शाइनी और इवन केक बेस हमारा रेडी है और उसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम केक के ऊपर लिक्विड चॉकलेट गनाश स्प्रेड करेंगे, तो उसके लिए पहले जैसे मैंने गनाश रेडी किया था सेम वही प्रोसेस से मैंने ये रेडी किया है, लेकिन इसे हम छान लेंगे ताकि कोई लम्स या कोई बबल्स रह गए हैं तो वो निकल जाए। इसे हम केक के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो पहले सारा गनाश इसके ऊपर हम डाल देंगे और पैलेट नाइफ की हेल्प से इसे इस तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। अब जो थिक चॉकलेट गनाश है उसको हम एक स्टार नोजल वाली पाइपिंग बैग में भरेंगे और इसे हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से ये अप्लाई हो रहा है, सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स का हमने यूज़ किया है और बहुत ही बढ़िया चॉकलेट गनाश बनकर रेडी हुआ है। ना कोई व्हिप क्रीम की ज़रूरत है और ना ही कोई हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत है। और अब सेम ही नोज़ल से हम इसकी बॉर्डर बनाएंगे, तो उसके लिए पाइपिंग बैग को हम इस तरह से रखेंगे और टेबल को टर्न करते जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़े से फ्रूट्स रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ली है स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और क्रैनबेरीज और ये है मेरे पास थोड़े से गोल्डन बॉल्स, तो उससे भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो भी प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो तैयार है बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली चॉकलेट ट्रफल केक और अब हम इसे कट करके भी देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट चॉकलेट ट्रफल केक बनकर हमारी तैयार है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसी ही इजी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट ज़रूर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।